देखिए यूपी के डिवीजन के मैं तो बहुत विरुद्ध हूँ। यूपी का डिवीजन यूपी के लिए भी ख़राब है और सारे देश को ध्यान में रखते हुए भी ख़राब है। मुद्दा क्या है, अगर डेवलपमेंट कोई मुद्दा है तो कम से कम पूर्वांचल और बुंदेलखंड इन दोनों इलाकों के लिए आप एक एजेंसी बना सकते हैं, अथॉरिटी बना सकते हैं जिसके लिए फंड्स ईयर मार्क्ड हों और वो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एमएलए एमपीज जिला परिषद के अध्यक्ष म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन इन सबको मिला के एंड सम एक्सपर्ट्स मिला के आप एक अथॉरिटी बना सकते हैं। वो प्लान करें वहाँ से, वो प्लान प्लानिंग कमीशन के पास आ जाए एंड देन द मनी इज सैंक्शन फॉर देम एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। तो ये होता है, पहले भी कई बार हो चुका है। अथॉरिटी बनती है, अथॉरिटी बनाई जाए और काम डेवलपमेंट किया जाए इफ़ डेवलपमेंट इज़ द इशू। अदरवाइज आप राज को बांटेंगे फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, डेवलपमेंट कितने साल बाद होगा, वन डजंट नो। दूसरी बात यह है कि ये जो मुद्दा है ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड अगर होता तो श्रीमती सुश्री मायावती जी तो 5 साल से हुकूमत कर रही है ना, ये तो फिर उन्हीं के खाते में जा रहा है कि सारी यूपी के ये इलाके अंडर डेवलप्ड रह गए, तो सारा ध्यान उनका मूर्तियों में लग गया और प्रदेश अंडर डेवलप्ड रह गया और अब इसे बांट लो, ये कोई तर्क नहीं है। दिस इज़ ऑल प्योर एंड सिंपल आई मे से एन इशू टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द रैम्पेंट करप्शन इन द स्टेट एंड एज वेल एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कांग्रेस को भी ये इसीलिए दिखाई देता, कहते कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, व्हाट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, व्हाट फॉर? तो आप अपना आप थे अभी तक सेंटर में, बहुत कुछ कर सकते थे, अब जब चुनाव आ रहा है यूपी का तब आपको ये लग रहा है। दिस इज ऑल टोटली मैंने जिसको मैं कहता हूँ कॉमन प्लेस पॉलिटिक्स है, लॉन्ग डीप रूटेड पॉलिटिक्स नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। द इशू इज करप्शन, प्राइस राइज, नेशनल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स प्लाइट, इस पर बात कीजिए, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। इससे ध्यान हटा के आप करना चाहते हैं कि स्टेट को बांट दो, फिर स्टेट को और स्टेट में बांट, दिस इज नॉट द टाइम फॉर। बस अब इसको डिटेल में नहीं, यू नो इट। हाँ वो ठीक है, टाइम के हिसाब से हर चीज का एक समय होता है, दिस इज नॉट द टाइम। तो वो वही तो असली बात, हम इस वक्त तो इस टाइम के हिसाब से कह रहे हैं, ये गलत है उत्तर प्रदेश का विभाजन। दिस इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट मच बिगर प्रॉब्लम्स। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल, इट इज नाउ बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स प्योरली, ये किसी सिद्धांत पे रखा ही नहीं गया है। आपके विधायक ये अगर असेंबली में प्रस्ताव लाया जाएगा तो इसके विरोध में वोट करेंगे या वोट नहीं डालेंगे? अभी तो विरोध में ही करने का सवाल है, आगे देखेंगे पार्टी क्या तय करेगी। आई एम नॉट सेइंग बीजेपी, इट इज डिसएडवांटेज टू द पीपल ऑफ द स्टेट एज सच। थैंक यू। अब बहुत यार हो गया, अपना मुद्दा आप उसके से डाइवर्ट करने के लिए आप उधर जा रहे हो। व्हाई डाइवर्ट फ्रॉम करप्शन टू नॉन करप्शन इशू? वो तो राहुल जी ये भी बोले कि महाराष्ट्र में चिट्ठी बांट दो, महाराष्ट्र में जाके भीख मांगते हैं। संदीप जी हो गया जितना बोल रहे हैं।
यू मस्ट वर्क फ्रॉम सेवन आतंक के लिए तो 5 मिनट का टाइम है। किसके लिए? हाँ भैया, मैंने कहा बांटो सबको, नहीं जी बिल्कुल नहीं, उनसे पूछो ना जिनको मिली है। ऑथर तो आप हैं, कॉपीराइट आपके आपके नहीं, अब तो कॉपीराइट उनको ट्रांसफर कर दिया। कहाँ ट्रांसफर कर दिया? इंस्ट्रूमेंट कहाँ कर दिया? इस पर लिख दिया।